अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू विद अनदर लेक्चर। दिस इज़ फ्रॉम सेक्शन वोकैबुलरी एंड यूजेज लेसन 16। सो सेक्शन 1, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एडजेक्टिव्स देन यूज़ इट इन अ सेंटेंस। फॉर्म एन एडजेक्टिव विद ईच वर्ड एंड यूज़ द एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव बनाएं हर वर्ड का, फिर उसे जुमले में बनाएं। एग्जाम्पल ऑब्टेन, सो एडजेक्टिव इज़ ऑब्टेनेबल। द सेंटेंस इज दिस ड्रग इज ऑब्टेनेबल इन एनी डिस्पेंसरी। ओके, सो सेंटेंस नंबर 1, यू हैव टू मेक ओशियन, यू हैव टू मेक एडजेक्टिव, फर्स्ट वर्ड इज ओशियन। सो फॉर योर इजीनेस आई हैव मेड अ सेंटेंस, ओशियनिक इज एन एडजेक्टिव। इसका एडजेक्टिव क्या हो गया, ओशियनिक। सो सेंटेंस क्या बना लिया हमने, ही इज स्टडिंग द ओशियनिक प्लांट लाइफ। ठीक है, ही इज स्टडिंग द ओशियनिक प्लांट लाइफ। सेकेंड वर्ड इज फिगुरेटिव, सो वर्ड इज फिगर, सो एडजेक्टिव इज फिगुरेटिव। सेंटेंस इज शेक्सपियर यूज्ड फिगुरेटिव लैंग्वेज इन हिज प्लेज। ओके, सो सेकेंड टास्क, यू हैव टू मेक एडजेक्टिव देन सेंटेंसेस। ओके, पार्ट बी, वर्ड्स इन अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यूज ईच वर्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। आपको हर वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। नंबर 1, यील्ड। ओके, सो यील्ड के लिए, आपके आसानी के लिए मैंने बनाया है। यील्ड के मायने, कई मायने होते हैं, मैंने सिर्फ 4 निकाले हैं, जैसे कि तस्लीम करना, कायल करना, सर झुकाना, निकालना। सेंटेंसेस दे वर फोर्स टू यील्ड, दे वर फोर्स टू यील्ड, यानी उन पर दबाव डाला गया था निकलने के लिए, सर तस्लीम करने के लिए या सर झुकाने के लिए, कई मायने आ सकते हैं। तो सेकंड सेंटेंस मैन, ठीक है, मैन का वर्ब किस तरह लेंगे हम, जैसे मैन के कई मायने होते हैं, मुस्तहकम करना, मजबूत करना, फौज रखना, फौज में भर्ती करना, तैनात करना, ये मायने होते हैं। अमेरिका विल नेवर मैन आवर आर्मी, यानी अमेरिका हमारी आर्मी को कभी मुस्तहकम नहीं करेगा, कभी मजबूत नहीं करेगा, कभी हमारी फौज नहीं रखेगा। ये सारे मायने इसके आ सकते हैं। ठीक है, आपके बाकी सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। आई विल ऑल्सो सेंड यू दिस वर्क एज वेल। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको वर्ड दिया गया है कैरी ऑफ, आपका इसको मीनिंग बताया गया है विन। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको उसके मीनिंग निकालने हैं और फिर जुमले बनाने हैं। ठीक है, कैरी बैक, टेक बैक इन द मेमोरी। तो कैरी ऑफ के जैसे एग्जांपल हमने लिखी है, यहाँ पर देखिएगा, शाहिद आफरीदी कैरीड ऑफ मैनी प्राइजेस इन ओडीआई क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर जो है डबल एफ आएगा, तो आप ठीक कर लीजिएगा, डबल एफ आएगा। ठीक है, कैरी ऑफ। इसी तरह आपको बाकी वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने, ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब आपको दिए गए। नेक्स्ट टास्क क्या है, एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। आपको वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, आपको क्या करना है, उसका दूसरे मीनिंग लिखना है, रिप्लेस करना है, इन वर्ड का रिप्लेसमेंट इन वर्ड में से तलाश करना है। जैसे कि नंबर 1 है, पीटर इज़ एन अर्ली राइजर, पहले क्या था, एन अर्ली बर्ड। ठीक है, अर्ली बर्ड के क्या आ गया, पीटर इज़ एन अर्ली राइजर, ही इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टू वेक अप। ठीक है, सबसे जल्दी उठने वाला है, तो अर्ली बर्ड की जगह क्या आ गया, अर्ली राइजर। इसी तरह सेकंड सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। इन राइटिंग की जगह कौन सा वर्ड इनमें से आ सकता है, क्या आएगा, इन ब्लैक एंड वाइट। आई वॉन्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट सो डैट देयर इज़ प्रूफ डैट वी अग्री ऑन ऑल द टर्म्स। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या है, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स द शॉपकीपर डिसमिस्ड हिज डिसऑनेस्ट असिस्टेंट। तो डिसमिस्ड की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, उसे निकाल दिया गया, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो डिसमिस की जगह ये वर्ड यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू हैव टू फाइंड आउट, वर्ड्स आपको मैच करने हैं, एडियोमेटिक एक्सप्रेशन चेंज करने हैं उसकी जगह। ठीक है, ये सारे आपको चेंज करने हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे दिए हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।